मनोज और अशोक दो चचेरे भाई अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर के घर की तरफ निकले और उसी कार में अशोक की पत्नी भी थी। अशोक की उम्र 24 साल थी, मनोज 21 वर्ष का था और अशोक की पत्नी संतोष 22 साल की थी। तीनों ही अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर घर की तरफ निकले और सामने से आ रहे एक ट्रेलर में उनकी स्विफ्ट कार जा घुसी। हालांकि इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, उसमें कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मायने कमेंट नहीं रखता है, मायने सावधानी रखती है। मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और कहीं न कहीं इस प्रकार की खबरों को सुनने के बाद, ऐसी घटनाओं को देखने के बाद लोगों के मन में सावधानी आ जाए तो हो सकता है एक दो हादसे बच जाए, नहीं होंगे, लोगों की जान बच जाएगी। हम लोग जब भी आपको इस प्रकार की घटनाएं सुनाते हैं, खबरें सुनाते हैं, तब आप लोगों से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं। हम ही नहीं, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, कई संस्थाएं, तमाम लोग कहते हैं कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जब ऐसी खबरें सुनते हैं तब हमारे जहन में आता है कि हम भी वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग इस बात को भूल जाते हैं और लापरवाही कर बैठते हैं। और उसी लापरवाही के चलते आज अशोक और मनोज की जान चली गई और अशोक की पत्नी संतोष जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। गलती किसकी थी, ट्रेलर की थी या स्विफ्ट की, ये बड़ी मायने वाली बात नहीं है, लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम चाहे किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं, चाहे दुपहिया वाहन है, चाहे अपनी कार है, ट्रेलर है या जो भी वाहन है, उसको सावधानी पूर्वक चलाएं। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण लॉज होटल जो अहमदाबाद रोड पर है, शहर से 3-4 किलोमीटर दूर, वहां पर ट्रेलर में स्विफ्ट कार जा घुसी और इस हादसे के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी आई और वो भी स्विफ्ट के कार के पीछे से जा टकराई और इस हादसे में स्विफ्ट में सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायल महिला को बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुंचाया, वहां बाड़मेर के विधायक भी पहुंचे, बाड़मेर के एसपी पहुंचे, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे और घायल महिला जो थी संतोष उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और विशेषकर जो महिलाएं देख रही हैं, किसी की मां होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, वो अपने घर के जो पुरुष गाड़ियां चलाते हैं या फिर जो महिलाएं भी चलाती हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के लोगों की इस बात को लेकर पाबंद जरूर करें कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आप जरा सोचिए कि किसी हादसे में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा, उसकी बुजुर्ग माँ का क्या होगा। जब एक माँ अपने बेटे का शव देखती है तो उस पर क्या बीतती होगी, एक बाप अपने बेटे के शव को कंधा देता है तो उस पर क्या बीतती होगी, एक पत्नी ये सुनती है कि उसके पति की डेथ हो गई है तो उस पर क्या बीती होगी, एक बहन जब सुनती है उसके भाई अब नहीं रहे तो उस पर क्या बीती होगी। इन सब चीजों पर हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और जितने भी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर करें और अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। अब आगे आप इस वीडियो में सुनिए कि बाड़मेर के एसपी और बाड़मेर के विधायक ने क्या कहा है। ये दोनों चचेरे भाई बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के कुर्जा गांव के निवासी हैं, अशोक कुमार और मनोज कुमार भील, एक की उम्र 24 साल, एक की उम्र 21 साल और जो अशोक कुमार की पत्नी संतोष है उसकी उम्र 22 साल है, उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, क्या हादसा था? सदर थाना हल्के में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बड़ा वाहन और एक छोटी कार की टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, 2 की मृत्यु की सूचना है और 1 अभी जहर इलाज है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया था और वाहन मौके से हटा लिए गए हैं। बड़ी दुखद घटना है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सर, आमतौर पर लगातार जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, क्या सर वाहन चालकों से आपकी अपील है, पुलिस अधिकारी? देखिए, जो जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो इसका प्राथमिक कारण रहता है वो ये है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, दूसरा लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं। इन दोनों पे हमेशा पुलिस अंकुश नहीं लगा सकती, तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि पुलिस के डर से इन चीज़ों में सुधार न लाएं, बल्कि अपनी जान की कीमत को ध्यान में रखते हुए और दूसरे जो आपके साथ सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान की कीमत को ध्यान में रखते हुए सेफ ड्राइविंग करें। सर, लगातार हादसे होते जा रहे हैं, आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कौन से लोग थे, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या है? कुर्जा के है और ये गाड़ी ट्रेलर और स्विफ्ट थी, आपस में भिड़त हुई, 2 की डेथ होगी और एक महिला साथ में थी, वो सीरियस है, अभी एडमिट है और
उसकी सीटी स्कैन भी करा रहे हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं सारी कि उसको कैसे उसको बचाया जा सके, प्रयास में लगे हैं। और आज से तो दिल्ली हो रहे हैं प्रयास रोकने के लिए, उपाय करने के लिए, तो सब कुछ लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि रोजाना एक नए हादसे में कई लोगों की जान जाती है। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप गाड़ी की स्पीड कम रखें और सावधानी बरतें। अब आप स्पीड आजकल नई गाड़ियां आ गई, इस तरह से स्पीड में चल रहे हैं, उस वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें खुद को सावचेत होकर चलना पड़े, चलने के लिए भी देख सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह से स्पीड में जा रहे हो और गाड़ी के अंदर सामने जाके भिड़ रहे हो, तो ये हमेशा दिल्ली जिस तरह से हादसे बाड़मेर में हो रहे हैं बहुत गंभीर विषय है, और इसमें मैं कुछ न कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा।